नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं संगम टीवी। मैं हूं आपके साथ अजय प्रजापति। जैसे हमारा देखेंगे आप यहां संगम टीवी का भी लोगो है और हमारा एक दूसरा चैनल है दिव्य जागरण, जो धार्मिक आयोजन को लगातार प्रसारित करता रहा है और आगे भी करता रहेगा। तो इसी क्रम में हम यहां पर आए हुए हैं, जो देखेंगे एक प्रसिद्ध यहाँ पर जो है देव स्थल है, जो मनेश्वर बाबा के नाम से जाना जाता है। जैसे कि बात करें कि लगभग जो है आधा दर्जन गांव के बीच में ये जो है बीहड़ में विराजमान है भोलेनाथ। यहां पर जो है बताया जाता है ये पाताल से निकली हुई यहां की इनकी शिवलिंग है और इसकी ख्याति की अगर बात करें तो दूर दूर जो है पूरे बुंदेलखंड में चर्चित है। और हमारे साथ में कुछ ऐसे प्रांगण के और यहाँ पर जो है आयोजन चल रहा है उसके जिम्मेदार कुछ आयोजक हैं, उनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे। जैसे कि बताते चले यहाँ पर जो है शिव पुराण कथा का आयोजन चल रहा है और प्राण प्रतिष्ठा का भी कार्यक्रम है, जो लगातार जो है सुचारू रूप से चल रहा है और क्रमबद्ध किया जाएगा। आइए पहले इनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे। सर, क्या नाम हुआ और क्या जिम्मेदारी है? मेरा नाम राम मनोहर शाह है, निवासी कारी माटी का हूँ मैं, और बचपन से हम इस स्थान से जुड़े रहे हैं और आत्मिक इच्छा थी कि अगर हम भोलेनाथ हमको सक्षम करेंगे तो हम इस स्थान को कुछ जीर्णोद्धार करेंगे। और सतत 30 वर्षों से थोड़ा थोड़ा करके जैसा भी होता रहा है, बनता रहा है हम लोगों से, और हमारी कमेटी भी है इसमें भरुआ सुमेरपुर से, जो उसमें 40-50 मेंबर हैं, वो लोग सावन में भंडारा भी करते हैं, अच्छा भंडारा होता है, 10-12 बस्तियों के लोग आते हैं और कम से कम 10,000 लोगों का प्रसाद बनता है, खीर और पूड़ी का प्रसाद बनता है। और ये महाशिवरात्रि में भी अभी आने वाले समय में भी हमारा जो है कि यहाँ पे भंडारा होगा, जो ग्राम सुनौड़ी वालों की तरफ से होता है। ये आयोजन मेरा व्यक्तिगत था, ये इच्छा थी मेरी, हमको भोलेनाथ ने पुत्र रत्न की प्राप्ति दी थी तो हमारी इच्छा थी ये कि हम भी भोलेनाथ का पूरा परिवार बसाए। इसलिए गेट के ऊपर शिवलिंग से लिपटे हुए गणेश भगवान जी हैं और बगल में माता पार्वती हैं और इसके बगल में कार्तिकेय हैं, वो गेट के ऊपर हमने प्रतिष्ठित किया है मंदिरों में उनको। और इसके बाद एक पंचमुखी हनुमान जी का पीपल के नीचे हमने एक मंदिर का निर्माण किया है जो कई वर्षों में तैयार हो पाया है, उसमें पंचमुखी हनुमान जी की प्राण प्रतिष्ठा होनी है और उसके बगल में ही भैरवनाथ जी जो उनके विशेष गण है उनकी प्राण प्रतिष्ठा होनी है। और हमारे जो गणेश भगवान मुख्य हैं तो जो मंदिर के अंदर विराजित हैं उनकी विधिवत प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई थी तो उसके साथ में वो भी होनी है। इसकी तारीख हमने अभी तो ये प्रोग्राम हमारा चल रहा है इसका शिव पुराण का, जो हमारा ये 18 तारीख कल से समाप्त हो जाएगा। 19, 20 और 21 फरवरी को इन देवताओं की जिनकी मूर्तियां हमने स्थापित की हैं उनकी विधिवत प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। 22 तारीख को भंडारा सिद्ध होगा, हमारा बनेगा, प्रसाद बनेगा और 23 तारीख को चारों तरफ बस्तियों को आह्वान हमारा पहुंचा है, सो लोगों से विनती की है कि आप लोग आइए और भोलेनाथ का प्रसाद ग्रहण कीजिए और इस मंदिर का जीर्णोद्धार में जिसका जो कुछ सहयोग अंशदान आता है वो लगाते हैं, जो कम पड़ता है वो हम लोग करते हैं, कमेटी हमारी करती है। इस तरह से भोलेनाथ की कृपा से हम लोगों का चल रहा है। बिल्कुल सही कहा चाचा जी ने, इन्हें जो पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी तो इन्होंने सोचा कि हम महादेव जी का पूरा परिवार इस मंदिर में विराजमान कर दें, कि जो यहाँ पर पिंडी है वो तो पतालीम पिंडी है, एक पुरानी कहानी है कि यहाँ पर एक गाय माता होती थी, वो यहाँ पर खड़े होकर के जो है मतलब आके खड़ी हो जाए करती थी जब ये पूरा जंगल था, पूरा बीहड़ इलाका था ये, और आज भी काफी जो है देखेंगे आप आसपास खेत ही हैं और यहाँ पर कोई अभी नहीं रहते हैं, मात्र ये महात्मा हैं जो यहाँ मंदिर में देख रेख करते हैं और यहाँ पर इनकी जो है जिम्मेदारी रहती है। तो उसी बात को इन्होंने जो है दिमाग में रखते हुए यहाँ पर जो है 3-4 जो और देवताएं हैं और पार्वती माता हैं उनकी जो नई प्रतिमाएं रखी हुई हैं उनकी प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन जो है चल रहा है, जो 19, 20, 21 तीन दिन ये प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम चलेगा और 22वें दिन जो है 22 तारीख को यहाँ पर भंडारे का आयोजन किया जाएगा। जैसे कि कहा जाता है कि किसी को अपनी दिल की बात अगर कहनी होती है, कोई काम अगर भगवान शिव से करवाना होता है तो सभी लोग जा करके नंदी के कान पर अपनी गुप्त तरीके से बात कह देते हैं तो उनकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। ऐसा कहा गया है शास्त्रों में कि वो नंदी भगवान जब शंकर जी के साथ में जो है अकेले बैठते हैं तब आपकी यानी भक्त की बात जो है शंकर जी से विस्तार पूर्वक रखते हैं, तब उनकी जो है बात को संज्ञान लेकर के जो भी उनकी मान्यता होती है वो पूरी हो जाती है, ऐसा बताया गया है। हमारे साथ में एक भक्त और है, जरा इनसे भी थोड़ा बातचीत करें। क्या नाम हुआ भैया? कमलेश कुमार नाम है। आप भी लगातार जो है सहयोग दे रहे हैं और कैसा सहयोग रहता है आप लोगों का? ये हम लोगों का ऐसा है कि हम लोग की कमेटी बनी हुई है, मैं उसका अध्यक्ष भी हूँ कमेटी का, कमेटी के द्वारा प्लस हमारे अंकल जी जो अभी आपसे बातचीत हुई
सबके सहयोग से यहाँ विकास हो रहा है और इन्हीं का कार्यक्रम है। हम लोगों का कमेटी की तरफ से सावन में होता है भंडारा कमेटी की तरफ से, और बाकी जो है सब आप देख ही रहे हैं। तो ये कहें कि इस बार जो है शिव जी के महादेव जी के भक्तों को दो बार भंडारे का जो है छकने का लाभ प्राप्त होने वाला है। एक तो भंडारा भी हो जाएगा, एक अच्छा तीन बार होगा, एक सावन में होगा, एक अभी होगा महाशिवरात्रि में, एक भंडारा होगा, तीन भंडारे, तीन भंडारे। आप चलेंगे हमारे साथ में जो पुजारी जी हैं जो इस मंदिर की देखरेख में रहते हैं, इनसे थोड़ा बातचीत करेंगे। जय सियाराम, जय बोली, जय मुनीश्वर बाबा। कैसे जो है आप देखा जा रहा है, हमने काफी लंबे समय से सुन रखा था कि ये बीहड़ में जो विराजमान है, चारों तरफ जो है पूरा जंगल टाइप का है, और कैसे जो है कितने दिनों से आप यहाँ सेवा कर रहे हैं महादेव जी? महाराज जी हमको तो यहाँ 20 वर्ष हो गए, ये प्राचीन मंदिर है और यहाँ के जो स्थायी रूप से लोग निवासी हैं उनकी बहुत अच्छी तरह से यहाँ श्रद्धा भाव है, और उनका हमको मानेश्वर बाबा की समिति का बहुत यहाँ सहयोग मिल रहा है, और यही मंडल की वजह से हमको सब सहयोग मिल रहा है, प्रेम मिल रहा है, जिसके द्वारा हम मानेश्वर बाबा की सेवा में लगे हुए। सबसे ज्यादा आप ही का जो है सहयोग रहता है क्योंकि आप 24 घंटे यहाँ मंदिर पे दे रहे हैं। हाँ जी हाँ, सहयोग तो मंडल वालों का भी है, यहाँ के भक्तगणों का है, यहाँ के देख रेख वालों का है। हम तो जी तो ये बताइए कितने संख्या में लगभग यहाँ भक्त लोग आते होंगे, जैसे तमाम ऐसे आयोजन होते रहते हैं, जैसे कि अभी शिवरात्रि आने वाली है, कुछ ही दिनों बाकी हैं, तो कितनी क्या संख्या में यहाँ भक्त लोग आते होंगे? मिनिमम ऐसे तो जब अपना भंडारा होता है महाशिवरात्रि का तो 10-15 हजार पब्लिक पहुंच जाती है। काफी दूर दूर के लोगों की आस्था जुड़ी हुई है, बहुत दूर दूर लोगों की आस्थाएं जुड़ी हुई है। मैं देख पा रहा हूँ कि आदमी बहुत दूर दूर से आ रहा है, जो आगंतुक भाई आ रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं महाराज जी हम 15 किलोमीटर से आए, कोई 25 किलोमीटर से आया है, उनकी श्रद्धा भाव चले। आप काफी दिनों से महादेव जी की सेवा कर रहे थे, तो क्या मान्यता है, कुछ हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे, आखिरकार कितने दिनों से और कैसी क्या मान्यता चली आ रही है? ये शिव शंभू है, ये खुद बता रहे हैं, यहाँ के जो पूर्वज लोग हैं हमको बताए कि ये पाताली शिवलिंग है। हम जब से इनकी सेवा में लगे हुए हैं तो हमको ऐसा लगता है कि जो मानो वही मिलेगा, तभी इनका नाम मानेश्वर पड़ गया। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल यही यही शब्द के कारण हमारा यहाँ पे अनुष्ठान जुड़ा हुआ। तो देखा जो है लगातार हम भक्तों से बातचीत कर रहे थे, और स्वामी जी थे जिन्होंने बताया स्वयंभू हैं और ऐसे महादेव हैं, इनसे जो मांगा जाएगा वही मिलेगा, जिसके चलते इनका नाम ही मनेश्वर बाबा रख दिया गया। यानी मन में जो आप इच्छा लेके आएंगे, जो भगवान शिव से कहेंगे, वो आपका काम जो है पूरा होगा और आपकी सारी मुरादें पूरी होंगी, जिसके चलते इनका नाम मनेश्वर बाबा पड़ा। अब मैं एक बार फिर से बताना चाहूंगा, जो शिव पुराण देख रहे होंगे, यहाँ पर एक बैनर पोस्टर के माध्यम से जो है दर्शाया गया है, शिव पुराण महापुराण ये चल रहा है, इसका जो है आप लाभ ले सकते हैं। अभी 2 दिन ये कथा जो है चलेगी, और 2 दिन के बाद में ये जो है यहाँ पर जो भी प्रतिमाएं नई रखी गई हैं उनका प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन किया जाएगा, और 23 तारीख को यहाँ पर जो है भंडारे का आयोजन किया जाएगा, जिसमें कि आसपास के पूरे क्षेत्र के लोग जो है सादर आमंत्रित रहते हैं, सभी लोग जो है यहाँ आकर के भंडारा प्रसाद छकते हैं। आइए चलते हैं और भी कुछ दिखाने का प्रयास करते हैं। मिली है इसलिए ये पुराणों का आज यंत्र कोई नहीं जान सकता है, आज यंत्र को जास न पावा मति अनुमान, अपने मत के अनुसार कथा का गायन किया करते हैं। सबको बढ़ाने के लिए, वंश को प्राप्त करने के लिए, पुत्र को प्राप्त करने के लिए लोग हरिवंश कथा श्रवण करते हैं, कथा सुनते हैं। Thank you.
अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं।